हेलो लर्नर्स, दिस इज श्वेताश्री पाणिग्रह. वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस. तो आम प्रीवियसली जो चैप्टर गुड़ाक मैंने जो यूनिट गुड़ाक डिस्कस करते मोस्ट ऑवरली पार्ट ऑफ द यूनिट जोड़ा डिस्कस करते आमर डेसिमल नंबर डिस्कस करते सहित आ कौन डिस्कस करते तार आप्लिकेशन डिस्कस करते कि रहा कौन रइनस केमती करवा आम आ प्लस केमती करवा मल्टीप्लाय केमती करवा डिविजन केमती करवा सहित सिग्निफिकेंट फिगर उपर भी जानते हैं आम सिग्निफिकेंट फिगर रे तीन टा रूल कही तो सिग्निफिकेंट फिगर एमती पर्टिकुलरली कभी क्वेश्चन आसवन कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन यार चूज करन मो के भी नु सेटा फर्स्ट जानिया कि हाउ टू नो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर एंड हाउ टू फॉर्म अ स्टैंडर्ड डिजिट कि गोटे डिजिट केमती आम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं कि जाइपर सेटा उपर सिग्निफिकेंट फिगर टा आमको थिला जानबार बाकी रहा तापर पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन आसबानी आमको आमर प्लस टू रे हूँ प्लस टू फर्स्ट इयर हूँ सेकेंड इयर हूँ तार किसी पर्टिकुलरली क्वेश्चन आसबानी आमको जाना दरकार एजन जमी आम मूल कनसेप्ट जानवर अच्छी मानने तार प्रिवियस ए बी सी डी भी जानवाक पड़ो तो सेमती सिग्निफिकेंट फिगर गोटे पार्ट अफ द चैप्टर कहपर आम मन रहा तो रहा बाकी आज जो कनसेप्ट स्टार्ट करा मोर इम्पोर्टेंट ए जो आम फर्स्ट यूनिट जो पढ़ुचे बेसिक कॉन्सेप्ट तो केमिस्ट्री आज आम कवर करवा कौन एटॉमिक नंबर कौन ठीक अच्छे एटॉमिक मास कौन आ मॉलिक्युलर मास कौन ये विषय आम जानवा ता सहित आ गए सरप्राइज अच्छी लास्ट को आम तार मेन कॉन्सेप्ट गोटे पढ़वा बुझिपारे आम आगुरु जिनस गुड़ाक अलरेडी पढ़ी आसे टेन्थ क्लास अलरेडी थी एटॉमिक नंबर मानने कौन एटॉमिक नंबर क्या कहे गोटे फिगरटे देखुचे शुण गोटे फिगरटे ड्र करें चिंता कर आम पीरियडिक टेबुल सब देखी आम पीरियडिक टेबुल देखे ना नहीं पीरियडिक टेबुल कौन हो आराम से जितकी सब एलिमेंट गुड़ाक अच्छा जितकी सब मौलिक गुड़ाक अच्छा सब सैज्रे एरेंज होना कह पीरियडिक टेबुलटा आमको रफली एमती प्रकार देखा जाए ना यू एमर एस ब्लक एलिमेंट यू एमर डी ब्लक ये पी आ लास्ट को जोड़ा था सी रहा एफ ब्लक एलिमेंट आगर मुझे जिनसटे हाँ ना नहीं मन रहा तो जितकी सब अच्छा सब यूनिट गुड़ाक एम छोट छोट बक्स में सब एरेंज होपर रहा हाइड्रोजन गोटे रहा बाकी सब एम आराम से एरेंज होना ना रे आम से जिन मन रखी पीरियडिक टेबुल आमको मन अच्छे इमाजिन कर पीरियडिक टेबुलटा केमी मुझे गोटे छोट बक्स को जूम करने को ट्राए कली बहुत बड़ करके देखापी ट्राए कली मन रहा पीरियडिक टेबल जूम करके हाइड्रोजन आटम को देखुचे से जो हाइड्रोजन आटमटा पूरा उपर अच्छे मुझे जूम करके देखुचे मोर ओवरली पीरियडिक टेबल जितेबाला नेट रे सर्च करुचे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीरियडिक टेबल आसो कोड़ी कोड़ी कौन हो खाली सिंबल देकर रखाई थोड़ा मानने खाली हाइड्रोजन मैंने हाइड्रोजन रिंबल देकर लिखाई थोड़ा मैंने जहाँ भी मलिकुल अच्छी तार सिंबल देकी कोड़ी कोड़ी खाली एटॉमिक नंबर उपर देकर रखाई थोड़ा कोड़ी कोड़ी एटॉमिक मास तार साइंटिफिक नेम दे सब गुड़ाक दे तो मु मोर बेसिकली ये सब गुड़ाक जो पीरियडिक टेबल थी तार मुझे एग्जाम्पलटे दूचे मन रहा लास्ट को पीरियडिक टेबुलटा मुझ शो भी करदेवि कि केमती पीरियडिक टेबल आम देखा जाए मन रहा तो पीरियडिक टेबल गोटे पार्ट अफ जो मौलिकटा अच्छी पार्ट अफ जो एलिमेंटा अच्छे से देखा केमती देखा जाए तो हाइड्रोजन कथा चिंता कर तो हाइड्रोजन कौन होता है मझे तार गोटे बड़ सिंबल गोटे थाए जहाँ भी हाइड्रोजन सिंबल हेच थाए ठीक अच्छे ता तले कौन था तार ना लिखाई था जहाँ भी ना अच्छे तो हाइड्रोजन टाइम हाइड्रोजन ही कौन लाटिन वर्ड से तार साइंटिफिक नेम भी तुम सहीटा तो किसी जन कहते जमी सोडियम सोडियम लाटिन नेम लिखाई था तार सोडियम लिखाई न था मन रहा तो सेमती आमर हाइड्रोजन टा लिखाला ता तले कौन तार ठीक उपर लिखाई थी एटॉमिक नंबर ता तले लिखाई थी तुम एटॉमिक मास मन रहा इनडायरेक्टली कह गले तुम तो जो पार्टा अच्छी जो मुझे हाइड्रोजन टा डिनोट कली कौन कौन थी इनडायरेक्टली आम देखा गले से मोर बेसिकली बहुत किसी जिनस गुड़ाक अच्छी ये रहा मोर कौन एटॉमिक नंबर है ये रहा मोर एटॉमिक नंबर नेक्स्ट आसे ये जो पार्ट अच्छी सी रोर सिंबल है जो हाइड्रोजन लिखाई थी ये रहा मोर सिंबल हला नेक्स्ट पार्ट जोड़ा मोर हाइड्रोजन लिखाऊ सी रहा मोर नेम टे जहाँ भी मोर ना अच्छी साइंटिफिक नेम मध्य कहीपर साइंटिफिक नेम
आउ जो लास्ट जी रहिला हमर हला ये ताका को बुझुची ये बुझुची हमर मास को और कहि परबा एटा को हमे एटॉमिक मास मनला एबे सिंबलाइज मो जति सब लिखली गोटे पीरियडिक टेबल में मोर ओवरली एमती देखा जाए फर्स्ट वन रहे हमर एटॉमिक नंबर नेक्स्ट रहे तार सिंबल नेक्स्ट रहला तार नेम तापर रहला हमर एटॉमिक मास ठीक अच्छे एटॉमिक नंबर रो ओडिया मीनिंग कौन थी टी मन पक एटॉमिक नंबर हूँ तुम कौन आणविक वस्तु सॉरी तुम एटॉमिक नंबर थी जोड़ा थी एटॉमिक नंबर क्या कहे आम एटम मीन्स कौन आम परमाणु थिला नंबर जोटा कि आम क्रमांक जो कहुए तो परमाणु क्रमांक आम एटॉमिक नंबर ठीक अच्छे नेक्स्ट है आम सिंबल सिंबल तो सिंबल जानचे आम जो भी नेम अच्छी तार सिंबल को बुझा हुए नेक्स्ट साइंटिफिक नेम कौन किसी जनकर रियल नेम यूज हुए किसी जनकर साइंटिफिक नेम यूज हुए लास्ट को जोड़ा रहा सी रहा तुम एटॉमिक मास एटॉमिक मास कौन आटम मास को एटॉमिक मास को जाए आम जानचे है तो एटॉमिक मास ओडिया कहले तुम परमाणु वस्तुत्व जो परमाणु वस्तुत्व सी रहा मोर एटॉमिक मास मन लगा पीरियडिक टेबल आम एति जिन नोटिस कर ठीक अच्छे हेल्ले मुझे हाइड्रोजेन कार्बन ऑक्सीजन केमी मो मास बाहर करी है मास जानापी आटम स्ट्रक्चर को आमको जाना पड़े मन रहा तो कौन कौन देख मुझे दुटा वर्ड कहली गोटे रहा मोर एटॉमिक नंबर गोटे मोर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर को कौन कहली मु पारमाणविक क्रमांक है आ गए रहा मु कौन कहली एटॉमिक मास के हेले हमरो सेम परमाणविक एटा वस्तुत्व है वस्तुत्व मान कि गोटे तार वेट को बुझुच ओजन को बुझुच मन रहा तो केमी आब हाइड्रोजन आटमटा अच्छे क्या आटम अच्छे हाइड्रोजन आटम हाइड्रोजन आटम भितर आम किए अच्छे न्यूक्लियस अच्छे आम जानचे तो न्यूक्लियस भितर किए किए थे न्यूट्रॉन थे आउ रहा प्रोटोन थे जानचे ना ना न्यूक्लियस भितर आम थे क्या न्यूट्रॉन रही आउ प्रोटोन आउ जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन कर चारिपटे बुझे मत जदि हाइड्रोजन आटम मास आने मैंने तीन जन जगह मास आ प्लस करदे मत हाइड्रोजन आटम मास जना पड़े कि तो दैट मीन्स मुझे लिखे मास ऑफ मास ऑफ वन हाइड्रोजन आटम जदि लिखुची तार मिनिमम कौन लिखुची मास ऑफ प्रोटॉन वन मास ऑफ प्रोटॉन सेमती वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमती वन मास ऑफ न्यूट्रॉन कहीं वन लिखिली कहीं सब गोटे गोटे अच्छी वन न्यूट्रॉन अच्छी वन प्रोटॉन अच्छी वन इलेक्ट्रॉन अच्छी हाइड्रोजन पाखे आम जानचे तो से लगे वन मास ऑफ प्रोटॉन वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वन मास ऑफ न्यूट्रॉन हाँ ना ना एतिक जिनस आदि मुझेदेली होगा मोर काम सरला हाँ ना ना या आगु आम कौन जानवर अच्छे समस्त मास जानवर अच्छे प्रोटोन मास क्या कहे इलेक्ट्रोन मास के एंड न्यूट्रोन मास के सो रहा मास जानवर अच्छी हेले तो मास आम कौन तो ये जिनसा बहुत मन रखा दरकार जो मास ऑफ प्रोटोन जोटा कि आम डिनोट कर पी रे प्रोटोन कथा चिंता करछि तो मास ऑफ प्रोटोन जे रहला मोर 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम बहुत छोटो -24 माने बहुत छोटो अमाउंट है कथा कहुचि सेमती मास ऑफ न्यूट्रॉन तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन पाखापाखी सेम तो सेतलेगी सेटा को पर्टिकुलरली सेम ही लिखा जाए जोड़े कि रहा 1.67 × 10^-24 ग्राम बाकी रहा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से सबुठ अलग है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबुठ लाइट से सब आंके दिजण बहुत कम ओजन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मोर 9.1 × 10^-27 ग्राम मन रहा देखुच -27, -24, -24, -27 माने आने वन बाय वन आहरी अधिक जीरो होगा कंपेरेटिवली ये दिजन को है इनडायरेक्टली कह गले तुम जो मास ऑफ प्रोटोन अच्छा सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अच्छा के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी तुम मास ऑफ प्रोटोन टू 1/1837 टाइम्स कम ओजन र
मन होगा मास अफ प्रोटोन को जब मुझे डिवाइड करदेवि मोर पाखापाखी ए भैल्यूटा पलि हेला तो दैट मीन्स कंपेरेटिवली स्टडी आम जाचे कि किए तुम ग्रेटर वैल्यू बियर करती आउ किए तुम स्मॉलर वैल्यू बियर करती मन होगा ये बुझीपारे ना बुझीपारे जिनसटे बुझे तो रहा ये हूँ तुम मेन जोटा कि बहुत काम आसो बहुत थर तुम यूज कर मास अफ प्रोटोन मास अफ इलेक्ट्रोन मास अफ न्यूट्रॉन सब गुड़ाक बारंबार यूज कर कहीं मैथमेटिकल फॉर्म बुझेला बेलू एगुड़ा बेसी टी यूज आसे मन होगा यहाँ को नोट्स बनईदे तापर एवं जो जान ले मुझे बाहर करी हाइड्रोजन आटम्र तो मुझे कौन लिखी थी मास अफ हाइड्रोजन आटम हाँ ना ना तो वन हाइड्रोजन आटम्र मत बाहर करार अच्छे मास मोर कौन थी मास अफ प्रोटोन जोटा कि गोटे का सहित मास अफ न्यूट्रॉन से गोटे का सहित मास अफ इलेक्ट्रॉन हाँ ना एबे आम देखिले मास अफ इलेक्ट्रॉनटा मास अफ प्रोटोन आउ मास अफ न्यूट्रॉन टू बहुत नेग्लीजिबल बहुत छोट है बहुत छोट कहीं 10^-27 मैंने से नेग्लीजिबल तो से जो वैल्यूटा को लेकिन आम 10^0 वैल्यू बा नेग्लीजिबल वैल्यू नहीं जापर मास अफ इलेक्ट्रॉन को थी कि जीक न थी से तो से इलेक्ट्रॉन वैल्यू आम कौन जीरो नहीं पार मन होगा कौटी जिते बड़े सी बा जीरो कहीपरबानी से आम कहीपर नेग्लीजिबल वैल्यू कहीपर है यहाँ को आम कि वैल्यू कहीपर नेग्लीजिबल वैल्यू मैंने वैल्यूटा थी जिते न थी से तो से आम क्या फोकस करवा मास अफ इलेक्ट्रॉन ए सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन आउ रहा मास ऑफ न्यूट्रॉन तो दु जन वैल्यू दु जन वैल्यू जो सेम वैल्यू अच्छे तो से कौन लिखिपर टू मास ऑफ प्रोटॉन लिखिपर ना ना दु जन वैल्यू जो सेम तो पुट कर दियो तो 2 × के 1.67 × 10^10 के 24 तो पाखापाखी ए जो वैल्यूटा अच्छे ए इतनी वैल्यूटा को कह जाए एएमयू वैल्यू इतनी वैल्यूटा को कौन कह जाए एएमयू वैल्यू कूड़ी गोटे देखी थे आम एएमयू वैल्यू मन पकेबा ये थिला मोर एटॉमिक मास यूनिट मन होगा ये मोर एटॉमिक मास यूनिट बुझे ये तो रहा वैल्यू तुम रोच 2 × 10 और कह गले आम इनडायरेक्टली लिखिपर यटा को है 2 AMU हेले कौन आम 2 AMU तो लिखिदे बाकी हाइड्रोजन और मास लिखला आम सब वन का लिखे कहीं तार जो वैल्यूटा अच्छे से रही 1.008 मेजर कला बेलू तार वैल्यूटा एति की पलि कहीं हाइड्रोजन पाखे गोटे का न्यूट्रॉन गोटे का प्रोटोन रोचे बाकी तार कक्षटा टी बड़ हो मैंने जाने से रुहती से बड़ हो तो ओजोन मापिला बेलू स्पेस जो बहुत बड़ हो जाए ओजोनटा टी एपट सेपट हो जाए तो पाखापाखी आम 2 AMU बा रहा मोर 1.008 AMU लिखिपर मन होगा ये बुझीपारे बुझीपारे ना बुझीपारे तो एएमयू जिनसटा जानता एटॉमिक मास यूनिट आम बहुत बार यूज करचे से रहा मोर ए जो एटॉमिक मास यूनिट सी रहा मोर यूनिट ऑफ कार यूनिट कहपर जी सब एटॉमिक मास मु डिनोट कर जहाँ जार भी एटॉमिक मास बाहर करी है हाइड्रोजन रहा कार्बन रहा नाइट्रोजन रहा समस्त मोर कौन है ए यूनिट रे का मुझे डिटरमाइन करी जमी आलु कौ थे यूज कर तार यूनिटा कौन नौ आलु मुझे केजी हिसाब से नहीं कि आसमी जो कार्बन रस डिनोट करी या हाइड्रोजन रस डिनोट करी से मुझे एएमयू रे डिनोट करी आउ का द्वारा डिनोट करपरि जितेबले कि मास कथा कहि मु ग्राम डिनोट करी ग्राम रे डिनोट करी ना तो एएमयू रे डिनोट करी मन होगा ये बुझीपारे ये रहा बेसिक वन आहरी भी पढ़ा आहरी भी एग्जाम्पल ना मुझे हाइड्रोजन रही कार्बन रही एग्जाम्पल ना आम है आगर ता आगर कौन पढ़ा आम एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर कौन तो एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली कह नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन एटम गोटे एटम भितर केतरा प्रोटोन प्रेजेंट अच्छे धरिकी तार एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली आम कौन कहले द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन एन एटम इज एटमिक नंबर हाला गोटे एटम भितर जी प्रोटोन प्रेजेंट थी ताकू धरिकी तार एटमिक नंबर होमती एग्जाम्पल ना सोडियम रो तो सोडियम रे आम जो सोडियम आटम कथा चिंता करे कौन हो 11 न्यूट्रॉन ता सहित 11 प्रोटोन
ता सहित एगारटा इलेक्ट्रॉन कौन हो से आटम भितर अच्छा तो से लगे प्रोटोन नंबर के तरह दूसरी मतलब प्रोटोन के तरह दूसरी एगार तो दैट मीन्स तार आटमिक नंबर के रे 11 मन रहा है बुझीपारे ना बुझीपारे तो जो भी आटम कथा आम चिंता करें तार प्रोटोन नंबर को धरिकी तार कौन हो जाती आमर आटमिक नंबर हो जाती आम आयन्स गुड़ाक देखीचे जमी सीएल माइनस आयन देखीचे ना आम देखीचे ना ना सीएल माइनस आयन क्या कहुए गोटे इलेक्ट्रॉन जदि बाहर कारु से कौन करदे बाहर कारु गोटे इलेक्ट्रॉन टे नहीं पलि आसो है तुम्हें क्वेश्चनिंग कर मैडम आप कहले प्रोटोन कथा कहले है प्रोटोन एगारटा अच्छी इलेक्ट्रॉन भी एगारटा अच्छे मुझे डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन लिखिपारे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आटम लिखिपारे कि ना बिल्कुल भी लिखिपर कहीं कहीं लिखिपर गोटे रहा मुझे इलेक्ट्रॉन कथा कहली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करदे आमर के क्लोरीन टे करदे ना नहीं यार आटमिक नंबर लिखला बेलू 18 लिखिपरि कहीं यार आटमिक नंबर लिखला बेलू मत ध्यान रखा पड़ो सेम प्रोटोन वैल्यू पर देख ये रहा भाव तुम क्लोरीन रटम टे क्लोरीन आटम रो 17 इलेक्ट्रॉन मोस्टली था सहित 17 प्रोटोन थाए सहित 17 न्यूट्रॉन थाए ये तीन टा सिक्वेन्स था जमी ये आमर कार कथा कहले आमर किए आम सोडियम कथा कहले से क्लोरीन रो 17 इलेक्ट्रॉन था 17 प्रोटोन था 17 न्यूट्रॉन था हाँ ना ये कौन है क्लोरीन सीएल माइनस अच्छे सीएल माइनस मैंने बाहर कुआ गोटे इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर दे तो दैट मीन्स अबे 17 जगह कौन लिखे मत 18 लिखार अच्छे कि नहीं तो ताखे अच्छी मो पाखे कौन 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन है मन रहा है तो दैट मीन्स क्लोरीन माइनस रो 18 आटमिक नंबर लिखिपर बिल्कुल भी नुह तार आटमिक नंबर के चेंज हेनी ये जिनसा आम मन रखा जो क्लोरीन आमर रोच खाली क्लोरीन जिते आम पढ़ुचे है खाली क्लोरीन आटमिक नंबर लिखले आम सुंदर कर 17 लिखिदे हाँ ना ना सेमती क्लोरीन माइनस रो भी लिखुचे ना तार आटमिक नंबर कौन हम मोर 17 का हम इलेक्ट्रॉन को धरिकी आटमिक नंबर के चेंज हेनी मन रहा है बुझीपारे इलेक्ट्रॉन को धरिकी के आटमिक नंबर चेंज हेनी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला क्या डोनेट कला धरिकी के आटमिक नंबर चेंज हेनी क्या धरिकी चेंज हे सी रहा है प्रोटोन नंबर को धरिकी प्रोटोन को धरिकी है मोर बेसिकली किए रही आमर प्रोटोन है मेन हीरो रे प्रोटोन हेले कि आमर मेन हीरो सब को ध्यान रखा प्रोटोन हूँ सब को आटमिक नंबर पर रेस्पॉन्सिबल प्रोटोन जिते थी आटमिक नंबर से हम है तो आटमिक नंबर जानापी मन रखापी किसी ट्रिक अच्छे कहीं पीरियडिक क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ एलिमेंट अच्छा तो समस्त मन रखापी टी तो आइडिया लगे पड़े को केमती करा कौन करा तो भाव मुझे कौन कह 20 जाए 20 आटमिक नंबर जाए किसी गोटे रूल कौन क्या आटमिक मास में आटमिक नंबर मुझे डायरेक्ट मन रखा पड़ो आ कि ना आटमिक नंबर केमी मन रखे पूरा रेगुलर वे में मन रखे हाइड्रोजन रू मोर बेसिकली प्लस टू फर्स्ट इयर आम जो पढ़ुचे एटलिस्ट 30 जाए आटमिक नंबर आम डायरेक्टली बाहर करा पड़ो है तार जो कि ट्रिक अच्छी मैंने मुझे आपको सेयार करी किसी प्रॉब्लम नुह से कमी मन रखा कौन करवा नेक्स्ट क्लास में शिखा बाकी एबे पाई पीरियडिक क्लासिफिकेशन जमी रेगुलर वे रे अच्छी 1-30 जाए आम मन रखा ट्राए करवा फर्स्ट इयर है जो सेकेंड इयर जीवर तापर आउ थे 30 पर नंबर गुड़ाक बायआउट करने ट्राए कर मन आटमिक मास कौन जाने आटमिक नंबर कौन जाने एवं आटमिक नंबर को धरिकी आटमिक मास्टा के मन रखा समस्त आटमिक मास मन रखा तो ये इजी नुह आटमिक नंबर ठीक अच्छे आम मन रखीद आटमिक मास के मन रखा समस्त है किए तो कहबन कि हम गोटे काल्कुलेसन कर मत मन ना किए आसिक तो कहबन फटकिना से आमको सब मन रखा पड़े तो केमी मन रखा आटमिक मास मन रखार ट्रिक गोटे जोटा कि मोर आटमिक नंबर को धरिकी ही हुए क्या धरिकी हुए आटमिक नंबर तो ट्रिक फॉर एटमिक मास एटमिक मास डिनोट करियर अच्छे मैंने गोटे गोटे ट्रिक फॉलो करा पड़ो से ट्रिकटा कौन के समस्त काम दबनी से ट्रिकटा भी से रूल कहा जाए कौन कह जाए रूल फॉर्मूला रूल भितर डिफरेंस एटिका फॉर्मूला समस्त पाखे काम दिए रूलटा समस्त पाखे काम दिए के पर्टिकुलर पार्ट ट्रिक काम दिए तो मुझे कथा कहूँ 20 आटमिक नंबर जाए जार अच्छे आटमिक नंबर जार 20 अच्छे और इनडायरेक्टली कहली मुझे हाइड्रोजेन रु कैल्शियम जाए कथ कह क्या कथ कह हाइड्रोजेन रु कैल्शियम जाए ता ऊपर नाई
ता उपर कथा रे रूल फॉलो होबने जो रूल भी मुझे कहबि मनला टिके बुझी पाले तो रहला रूल कौन देख जदि तुमर एटॉमिक नंबर कौन कौच मु एटॉमिक नंबर कथा कौच मु एटॉमिक नंबर टा जदि इवन अच्छी माने युग्म संख्या अच्छे हला एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करछे स्मॉल एन रे ठीक एटॉमिक नंबर जदि तुमर इवन अच्छे माने युग्म संख्या अच्छे तो मुझे एटॉमिक मास टा केमिति डिनोट करबे फॉर्मूला गोटे अच्छे से रहला तुमर 2n रूट माने कौन एग्जांपल नबा तो एग्जांपल नहीं कि बुझो तो भाव मोर एटॉमिक नंबर टा मन कर मोर कौन नबा 6 ना मन कर एटॉमिक नंबर नला मोर के 6 हला तो एटॉमिक नंबर 6 कार मन पक जाओ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन मन होगा कार्बन है मोर जार कि एटॉमिक नंबर 6 तो 6 है मोर किए कार्बन एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर 6 टा युग्म कि अयुग्म युग्म संख्या इवन नंबर तो एटॉमिक मास आणार अच्छे मैंने सिंपल 2n रूल फॉलो करदेवि तो 2 × n किए एटॉमिक नंबर तो 6 तो रहा मोर के 12 ग्राम और ग्राम जगार मुझे कौन यूज करते मास को कौन यूज करते रे एमयू है तो ये रहीगला तुम कार्बन रस हला ये रहला मोर कार्बन रो एटॉमिक मास केते के भितरे रूल कौन थी मोर 20 भितरे का 20 भितरे जितके सब तुम इवेन नंबर अच्छा कौनटा एटॉमिक नंबर जितके सब इवेन नंबर अच्छा मास जो कैलकुलेट करियार अच्छे माने मु आराम से को रूल फॉलो करी 2n रूल फॉलो करी मन होगा से जगार जदि से ऑड थाए ऑड नंबर थाए माने अयुग्म संख्या थाए तो आम रूल फॉलो करा पड़ा 2n+1 रूल मन होगा ये बुझिपारे ना बुझिपारे रे ये थिला तुम मेन रूल जाक कि रहा कौन कि मेन जिनस हो तुम्हें कौन फॉलो करा पड़ो जदि इवेन अच्छी तो इवेन रूल है 2n रूल आ रहा जदि ऑड अच्छी से रहा तुम 2n+1 तो ऑड रे गोटे एग्जांपल दे ना तो ऑड रे एग्जांपल रे भाव लेट अस कंसीडर ऑड रे नौ 13 कार जान आम आलुमिनियम तो आलुमिनियम 13 मत एटॉमिक मास आणार अच्छे तो एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास पे बोले फॉर्मूला कौन पुट करी 2n+1 रूल तो 2 × 13 हला मु कौन पुट कर 2 × 13+1 तो पलि आसला मत 26+1 तो रहीगला मोर 27 ये रहा मोर कौन कहीपर मास ऑफ एल्युमिनियम तो केते जाए मोर बेसिकली मोर बेसिक थिला मोर 20 जाए ये भी मोर स्पेसीफाई करिया को पड़ो कौन स्पेसीफाई करी मोर 20 जाए का मुझे फॉलो करी हला मोर कौन टा करी 20 जाए का फॉलो करी आ बेसी करें ऊपर मोर के हेनी ऊपरक मैंने 20 पर 21 रूल फॉलो हेनी 23 रूल फॉलो हेनी हाँ मझे मझे कौटे गोटे बैचानसली फॉलो हो गला मैंने को हमें रूल रे नबानी है 20 जाए जितके एटॉमिक नंबर मिल तुमको से सब गुड़ाक मास तुम डिनोट कर रूल अनुसार जदि से इवेन हो 2n रूल फॉलो कर जदि ऑड हो तो 2n+1 रूल फॉलो कर एन कौन एन का कथा बुझुच्ची सी रहा मोर एटॉमिक नंबर कथा बुझुच्ची बुझिपारे तो एन टा रहा मोर एटॉमिक नंबर मास डिनोट करने दीटा रूल मन रहीपर तो 20 जाए जितकी सब एटॉमिक नंबर द्वारा आम एटॉमिक मास आराम से बाहर करपर हेले 30 जाए जमी आम एटॉमिक नंबर मन रखिले एटॉमिक मास सेमती मन रखा है रहा 20 जाए तो अलरेडी मुझे रूल कही सारे मासटा कौन जो आम स्कैंडियम रु लास्ट जो जिंक जाए अच्छे से गुड़ाक बाहर करदे कि मास अच्छे तार भी ट्रिक जोड़ा अच्छे से ट्रिक तो मुझे जो ट्रिक अच्छी तो मुझे फॉलो करने कहीदेवि मन होगा ये बुझीपारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा तो आज आम कौन कौन पढ़ले गोटे रहा तुम एटॉमिक नंबर है ता सहित पढ़ले आम एटॉमिक मास एबे जोटा लिखा मुझे लिखी मॉलिक्यूलर मास हला मॉलिक्यूलर मास कौन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जानदेले ये दुटार मुझे आराम से दुटा रूल कहीदेली तुमको आराम से दुटा रूल कहीदेले आम आराम से डिनोट कर दे परिबा हला जदि एटॉमिक नंबर देजी तुमको एटॉमिक मास तुम डिनोट कर दे परिबो एटॉमिक मास देजी माने एटॉमिक नंबर डिनोट कर परिबो बट तार पर्टिकुलर केते अछि से तार एटॉमिक नंबर टा केते भी दे रहिबार अछि 20 भी दे रहिबार अछि एबे मु मॉलिक्यूलर मास केमते डिनोट करबे एटॉमिक मास मते पर्टिकुलरली मन अछि ना नै
पर्टिकुलरली जितेबाला मन अच्छी मोर आटमिक नंबर एंड मास मन रहा आम मलिकुलर मास कथा चिंता करवा आटम कौन थी परमाणु थी गोटे गोटे जिनस सिंगल सिंगल जिनस मलिकुल को आसला बेलू बहुत किसी पलि आसबाला कि मोर लाटस कैंसर आम समस्त फेवरेट कंपाउंड सी रहा मोर वाटर मलिकुल क्या कौन आटम क्या कौन मलिकुल क्या कौचे आम आगे पढ़ते मौलिक आ जौगिक पढ़ते पढ़ते मैंने कौन कौन आमर मैटर डिवाइड होता दी कैटेगरी रे सी थी मोर एलिमेंट आउ थी मोर कंपाउंड हाँ ना नहीं तो मैटर को डिवाइड करी दी कैटेगरी गोटे थी प्योर सब्सटेंस और गोटे मिक्सचर ताइन का कैटेगरी गोटे आसाला एलिमेंट आउ कंपाउंड है तो एलिमेंट रो जितक सब तुम मौलिक अच्छा तार सब छोट पार्टिकल को आम कहे आटम मनला आउ जो कंपाउंड तुम रही तार सब छोट पार्टिकल को कहुए तुम मलिकुल आठ छोट पार्टिकल तुमको मिल पारे मलिकुल आउ छोट पार्टिकल मिल पारे तुमको मनला बट किसी एम एलिमेंट अच्छा एलिमेंट मौलिक कथ कौन जी कि मलिकुलर फॉर्म रे भी मिलती मलिकुलर फॉर्म केमी मलिकुलर फॉर्म टिके ध्यान देखिए देख ऑक्सीजन ऑक्सीजन जानते आम ऑक्सीजन टा गोटे कौन मौलिक हाँ ना नहीं मौलिक मान गोटे मोर एलिमेंट बट आम आटमोसफियर मिलला बेलू से कौ फॉर्म रे मिलती मत टू फॉर्म रे मिलती ना ना तो दैट मीनस ये आर सिंपल फॉर्म है कि ऑक्सीजन आक्सीजेन सहित तो ऑलरेडी दुटा फॉर्म मिल जाए आमको तो दैट मीनस तुम मलिकुल भी ए सॉरी तुम एलिमेंट भी मलिकुल मिल पाए है आम पढ़ा फर्दर पढ़ा कि मलिकुल कौन आटम कौन से गुड़ाक भी पढ़ा एवं खाली मास उपर फोकस कर मन रहा ये तो रहा एलिमेंट सब स्मॉलर पार्टिकल एवं खाली आम मन रखि तो मलिकुल जो छोट पार्टिकलटा अच्छी सी रहा सॉरी एलिमेंट जो छोट पार्टिकलटा अच्छी से सब बेलूला आटम मन रहा नेक्स्ट तुम जो कंपाउंड सब छोट पार्टिकल रहा से सब बेलू तुम किए रे मलिकुल हला मलिकुल रे मध्ये दी कैटेगरी अच्छी गोटे रहा हेट्रो एटमिक माने हेट्रो मलिकुला एंड होमो मलिकुला हला होमो मलिकुला हेट्रो मलिकुला आम आगे पढ़ा कि मलिकुल कौन आटम कौन एटमिक स्ट्रक्चर जितने मुझे कहबी से ये जिन गुड़ा कह मन रहा बुझीपारे ये जिनस मास बुझे नेक्स्ट कैटेगरी को जीवा नेक्स्ट कैटेगरी आम कौन पढ़ू रे ए मास डिनोट करुले पा तो मास केमती डिनोट करेंगे देख मु कौन नी मलिकुल वाटर नी हाइड्रोजेन इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटोन संख्या न्यूट्रॉन संख्या आमको जाना सेमती ऑक्सीजन रो भी जाना एबे हमें डिसाइड कल एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास जदि मु पर्टिकुलरली हाइड्रोजन रो खाली बाहर करे मुझे कौन कहि एटॉमिक मास कहि खाली ऑक्सीजन रो बाहर करी तार भी एटॉमिक मास ए दिजन जगह एटॉमिक मास को लेके जदि मु प्लस कर दिए तो सी होगा मलिकुलर मास मन रहा ये बुझी पारे तो हाइड्रोजन केतरा दुसचे रे मते एटी हाइड्रोजन केतरा दुसचे दिरे दुसचे तो रहला मोर दुई फर्स्ट दुई इंटू एबे हाइड्रोजन रो मास आमे पीरियड क्लासिफिकेशन मोड बढ़िया फिगर गोटे करी तो रहा फिगर टे देख तो मोर जो फर्स्ट जिनसटे डिनोट करी तार जो एटॉमिक नंबर टाला सी थी वन एटॉमिक मास टाला मोर के 1.008 से वैल्यूटा आम पर्टिकुलरली के पकोचे वन पकई दूचे वन एमयू हाइड्रोजेन रस हो मोर वन एमयू मन रहा आउ गोटे जिनस एवं क्वेश्चनिंग आसो मैडम आप आने बेलू तो ये टू वैल्यूटा आनते ना ये आम टू वैल्यू नहीं आसते हाइड्रोजेन रमी मुझे हाइड्रोजेन रे फ्री स्पेस अधिक था तो लगे तार वेटे टी एपट सेपटे हूँ तो वन एम यू एपट सेपटे तो लगे मेन वैल्यूटा हो गला तुम 1.008 जहाँ कि आम वन एम यू लिखिपे मन रहा ये बुझिपारे ना बुझिपारे नेक्स्ट पार्ट को जीवा तो रहा जो हाइड्रोजेन रोर वैल्यूटा पुट करार अच्छे तो मुझे कौन पुट करी पुट कर ये हाइड्रोजेन रो रहा हाइड्रोजेन रही है ना हाइड्रोजेन पुट करा टू इंटू हाइड्रोजेन के अच्छे सरी दुटा तो गोटे गोटे हाइड्रोजेन रत मास वन प्लस ऑक्सीजन मास के ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर एट तो एट है मोर इवन नंबर इवेन नंबर ना ना फोलो करवा तो चलो एट हूँ मोर इवेन नंबर मोर ऑक्सीजन रो नहीं आसबार अच्छे तो ऑक्सीजन रो जो नहीं आस एटॉमिक नंबर एट तो दैट मीनस ये रहा मोर इवेन नंबर टा है इवेन नंबर गोटे तो इवेन नंबर जिते इवेन नंबर किए मोर एन वैल्यूटा हूँ इवेन तो रहा फोलो करी मु टू एन रूल तो टू इन टू एट तो के आसला 16 एम मन ला जा पुट कर सैटी तो रहा 16 पुट कल ना ना तो दैट मीनस के आसला मोर 2 प्लस 16 तो आसीगला मोर 8
एम यार भी यूनिट मु कोन पुट करबी एम यूनिट किंदे जाले मु 16 क्वाडर बाहर करली एठो बाहर करली काहे की 8 हला मोर एटॉमिक नंबर तार एटॉमिक नंबर त मोर इवन इवन माने मु पुट करली कोन 2n रूल तो पळे असला मते 16 तो रहला ता अनुसार मु मॉलिक्यूल रो मास्टर डिनोट करी पली आराम से हाँ आउट एग्जांपल नबा तो ए जो पार्ट टा को जेतो मु एम यू रे डिनोट करची सेडा को कहबी मु मॉलिक्यूलर मास कौन कहबी एटा को मु मॉलिक्यूलर मास बुझी पाले ती जिनसो नेक्स्ट सिबा नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट एग्जांपल गोडे फॉलो करबा लेट अस कंसीडर मु अमोनिया रे बाहर करची ये रहला मोर अमोनिया हला अमोनिया रे मु बाहर करची ठीक अच्छे अमोनिया रे केमती बाहर करबी सेम जिनसो आगे एटॉमिक नंबर हमकू जाना अच्छे एटॉमिक नंबर को धरिक एटॉमिक मास बाहर करबा हमें हो ना ने तो नेक्स्ट पार्ट तो कौन करबा हमें आगे नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन केतरा देखा होची गोटे देखा होची तो गोटे इनटू तो रहला नाइट्रोजन नाइट्रोजन रो मास केते होल जाने एटॉमिक नंबर जाने एटॉमिक मास जानिबा एटॉमिक मास केते सॉरी एटॉमिक नंबर केते नाइट्रोजन रो केते 7 हला एटॉमिक नंबर हला मोरो 7 तो एटॉमिक नंबर जदी मोरो 7 हला एटॉमिक नंबर जदी मोरो 7 तो रहला n वैल्यू टा होची मोरो 7 तो n एटी कोन ऑड की इवन ऑड ना नै 7 टा ऑड नंबर तो रूल कोन फॉलो होबो 2n + 1 रूल फॉलो होबो कथा ना तो रहले मु कौन पुट करबी 2 × 7 + 1 तो हबा कथा केते 15 एमयू बट ए जो 15 एमयू के बेबी ठीक नु हो तो नाइट्रोजन को जतो हम वेट करचे तारो जो मास टा से आसे 14 एमयू कोन आसे रे 14 एमयू मनला एटा को कहा जे एक्सेप्शन कोन कहा जे एटा को एक्सेप्शन हला ए वैल्यू टा सब बळु को हमें मन रखतो तो नाइट्रोजन रो जो एटॉमिक मास वैल्यू से सब बळे हमरो 14 होय था हला सेमे दिगा आउडे बे एक्सेप्शन अछि से हला मोरो बेरिलियम रो हला बेरिलियम रो कोन बेरिलियम कुडी आसला हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बेरिलियम हला 4 एटॉमिक नंबर केते 4 तारो जदि मास मते डिनोट करिया रछि मु को रूल फॉलो करिया कथा 2n रूल फॉलो करिया कथा केमेदी बेरिलियम रो रहला मोर केते रे बेरिलियम रहला मोर ए रहला हाइड्रोजन नेक्स्ट रहला हीलियम लिथियम तापर रहला बेरिलियम तो बेरिलियम रहला मोर 4 होना ने तो रूल फॉलो करिया कथा माने मु कोन रूल फॉलो करिया कथा ए रहला जेतले इवन नंबर गोटे अछि मते 2n रूल फॉलो करिया कथा तो 2 × 4 तो दैट मींस आंसर आसे कथा केते मते 8 पर तार आंसर आसे मोर 9 एमयू माने सेडी रूल फॉलो हि जाउछि 2n + 1 रूल तो ये भी गोटे एक्सेप्शन रे जाय मनला केतिक भितरे 20 एलिमेंट भितरे एतिकी एलिमेंट भितरे तो के ए एलिमेंट कूठ स्टार्ट होतला मोरो हाइड्रोजन रु कैल्शियम जे मनला मनला नी तो दीडा एक्सेप्शन कहली तो रहला 2 एक्सेप्शंस कोण कोण थिला रे 2 एक्सेप्शंस हला सबळ को हमें ध्यान रखिबा टू एक्सेप्शन रहिला हमरो कोण कोण फर्स्ट एक्सेप्शन रहिला हमरो बेरिलियम रो जो वैल्यू डा होची एटॉमिक मास टा जोडा 8 हबा कथा एटॉमिक मास केते हबा कथा मोर 8 हबा कथा रूल फॉलो करी की बट एबे से हे जाउची मोर एटॉमिक मास इज 9 एमयू सेटा के जेतेबे मु नाइट्रोजन कथा कहूची तारो जेतेबे एटॉमिक मास टा हबा कथा मोर 15 बट हे जाउची 14 एम ए दिरा एक्सेप्शन का भितरे 1 टू 20 भितरे माने हाइड्रोजन टू कैल्शियम भितरे दिरा एक्सेप्शन सेमदी एबे अमोनिया रो बाहर करथुले ना आमे अमोनिया रो बाहर करो तो केते आसला मोर नाइट्रोजन रो 14 तो 14 को पुट करो 14 प्लस के रहले रे मोर हाइड्रोजन केतरा अछि मोर तीनटा अछि ना नै तो तीनटा पुट करो 3 × तापरे हाइड्रोजन रो एटॉमिक मास केते नै थिले आमे रे हाइड्रोजन रो एटॉमिक मास 1 नै थिले तो 1 तो वैल्यू डे पुट करो तो वैल्यू कोन होबो देखो तो वैल्यू आसिला 1 × 14 हला 14 प्लस 3 × 3 तो रहला मोर 17 हबो कि मनलन मनलन 17 एमयू तो ये रहला मोर अमोनिया रो कोनटा अमोनिया रो एटॉमिक मास
अमोनिया एटमिक मास हम कि अमोनिया हम मलिकुलर मास कहीं अमोनिया हूँ गोटे मलिकुल अमोनिया हूँ गोटे कंपाउंड कंपाउंड सब छोटो फॉर्म टा कौन हम मलिकुल आ तार मास को आम कौन कहले मलिकुलर मास तो ये है मोर कौन टा मलिकुलर मास मन रलानी तो आज वीडियो रे हमें कौन कौन सीखिले एटॉमिक नंबर सीखिले एटॉमिक मास सीखिले मॉलिक्युलर मास सीखिले मन रला तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें कौन करिबा यार नुआ कांसेप्ट गोटे पढ़ा या को रिलेटेड गोटे कांसेप्ट पढ़ा से है मूल कांसेप्ट को कांसेप्ट पढ़ा मूल कांसेप्ट तो आज आम कौन करवा कि प्राक्टिस करवा कि होमवर्क नवा कार कड़ा कैलकुलेट करवा आम फर्स्ट तो है कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड रो कार कैलकुलेट करवा आम कार्बन डाइऑक्साइड रो कैलकुलेट करवा नेक्स्ट रहा आम कार कैलकुलेट करवा मिथेन रो कैलकुलेट करवा है कार कैलकुलेट करवा मिथेन रो है कार कैलकुलेट करवा रे आउ कैलकुलेट करवा कार्बन मोनोक्साइड रो कैलकुलेट करवा हो पार ता सहित आर कार कैलकुलेट करवा आम सिंपलर कंपाउंड गोटे भाव 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 अमोनिया तो मुझे देदेली आउ गए कैलकुलेट करवा HCl रो कैलकुलेट करवा हला ये रहला तुम कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट रहला तापर मिथेन तापर रहला हमरो कार्बन मोनोक्साइड ये रहला तुम HCl जोटा कि कौन प्रोनाउंस करूँ आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए चारटा आम प्राक्टिस करकी यार मलिकुलर मास कैलकुलेट करथिबा हला तो कैलकुलेट करके जो कमेंट बॉक्स रे यार आंसर गुड़ाक ट्राए करवा सॉल्व करिया पई हला आ कमेंट बॉक्स रे तार आंसर गुड़ाक दबा ठीक अच्छे तो ये वीडियो रो आपको किसी हेल्प मिलची तो दैट मीन्स लाइक करिबे शेयर करिबे एंड थैंक यू।